हर पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इलेक्शन करके जिसको पार्टी के मेंबर पसंद करें वो सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सब ऑन पेपर रहता है। पॉलिटिकल पार्टी के हाई कमान इलेक्शन ही नहीं करवाते हैं। लास्ट 137 इयर्स में सिर्फ 6 बार इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 19 के हिसाब से ये है कि पार्टी का जो नेशनल प्रेसिडेंट होगा वो नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के मेंबर मिलकर इलेक्ट करेंगे, और वही कैंडिडेट खड़ा होगा जो कम से कम 15 साल से पार्टी का मेंबर हो। ये बीजेपी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये सब ऑन पेपर है क्योंकि बीजेपी ने तो आज तक इलेक्शन ही नहीं करवाया। इसमें सबसे जो है वो है आम आदमी पार्टी। काम ये भी वही करते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के करते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 में लॉन्च हुई और अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वेयर चुना गया। इन्होंने जम के कांग्रेस और बीजेपी को घसीटा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं करते हैं। और जब आम आदमी पार्टी 2012 में आई तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर बनाया। अगर आप बाकी पार्टियों से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट तो एक गरीब भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपने देखा होगा कुछ माँ बाप कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो, लेकिन उनको पता नहीं होता कि गैंग का असली सरदार तो उनका बेटा ही है।